हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी दोस्तों अभी एनटीपीसी रेलवे की एग्ज़ाम चल रही है और बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होते जा रहे हैं और बहुत से बच्चों को एग्ज़ाम देनी है, बहुत से की एग्ज़ाम हो गई है। तो जिन जिन बच्चों को एग्ज़ाम देनी है वो इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। करंट से भी रिलेटेड है और कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी है जो जीके से करंट अफेयर से है, रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपके इसमें कुछ एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस पशु के गोबर से बना खाद प्राकृतिक पेंट लॉन्च की है ना, कि गाय। इसका सही ऑप्शन कौन सा लगाए, गाय की ब्रांड लगाए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने, जो बाइडेन बने हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। तो इन्होंने किस सीओ का, CIA का निदेशक नियुक्त किया है, किसे? तो विलियम्स बर्न्स को, विलियम बर्न्स को अपना CIA नियुक्त किया है ना राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है, हेलेन पॉस पोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये 85वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है, 85वां स्थान रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स बने हैं तो इंडेक्स वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीटर आ रहे हैं। तो हेलेन पॉस पोर्ट इंडेक्स वाला अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बनाएंगे, 85 वाला आप राइट करेंगे कि 85 वाला स्थान है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए किसे संवेदनशील बताया, तो जूम को। साइबर अपराध में बहुत जूम बहुत ही संवेदनशील माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, कुछ दिवस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 अप्रैल को, कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, ये बात भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती की घोषणा की, तो दोस्तों 0.25 फीसदी, 0.25 फीसदी, ये आप याद रखेंगे। और अगर आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछे तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ऐसा भी आपसे पूछ ले तो आपको बताना जरूरी है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, किस देश ने किया, तो ये दोस्तों है उत्तर कोरिया, किस देश ने किया, उत्तर कोरिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापा जाता है, दोस्तों फेदोमीटर से नापते हैं। समुद्र की गहराई के बारे में पूछे तो फेदोमीटर, वायुमंडल ले पूछे तो बेरोमीटर, और अगर इसकी पूछ ले आपको भूकंप की तीव्रता पूछ ले तो रिक्टर पैमाने पे। तो ये सब चीजें गहराई वाले क्वेश्चन भी आप याद करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कौन है, नवीन पटनायक। तो अभी भी बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और निश्चित पूछेंगे, तो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम याद कर ले ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके। नेक्स्ट है, भारत की वित्त मंत्री कौन, तो ये दोस्तों निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये आपको जनरल करेंट से याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोस्तों बेंगलुरु में, कहाँ पे, बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विश्व को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको कम से कम साल भर पहले के जो विगत दिवस आए हैं, जो विगत घटना घटी है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके करंट रिलेटेड है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 रुपए का सिक्का किसके जन्मदिन पर जारी किया गया, अब 100 रुपए का सिक्का जारी किया था अभी कुछ दिन पहले,
राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री ने जारी किया था, राजमाता विजय राजे सिंधिया, जो मध्य प्रदेश के, जिनका निवास स्थान मध्य प्रदेश में था, पहले इनके जन्मदिन पर तो 100 रुपए के सिक्का इन्होंने जारी किया था, अपने भारत के प्रधानमंत्री ने जारी किया था। तो किसका राइट लगाएंगे? राजमाता विजय राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 वाला, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अगर ऐसा पूछ ले तो 1905 में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये दो प्रश्न आपके बनते हैं। और बंगाल का विभाजन तो कुछ ही दिन पहले आपको अभी 28 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी की जो 28 तारीख की एग्जाम हुई थी उस समय सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, जीके क्वेश्चन। लॉर्ड तो 1905 में हुआ था, और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस कब मनाता है? तो सिविल सेवा की एग्जाम होती है वो 21 अप्रैल को मनाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाता है? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन? दोस्तों अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या के बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछ ले जाए तो अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे, ठीक है। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो हर एक राज्य से रिलेटेड भी आपको फैक्ट भी याद रखना जरूरी है। तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आपको बता रहा हूं, महंत नृत्य गोपाल दास। कौन थे? महंत नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है सुब्रतो कप किस खेल संबंधित है? सुब्रतो कप तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है नेशनल वाटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, नेशनल वाटर्स डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, उससे पहले 25 जनवरी को नेशनल वाटर्स डे मनाते हैं, और एक कुछ वर्ष पहले ये डे इन्होंने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब कुछ समय पहले एक प्रश्न और आया था कि पित्त क्रांति किससे संबंधित है? पित्त क्रांति, तो दोस्तों वो भी आप याद रखें, पित्त क्रांति किससे संबंधित है? ये सरसों के तेल, सरसों और तिलहन से संबंधित है, सरसों और तिलहन से। तो ये भी आप रखें, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ये सारी क्रांतियां भी आप याद करके जाए। और एक क्वेश्चन वो आया था, साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो भी केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया था, ये भी उत्तराखंड में है। तो सभी ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान? मंडला जिले में, मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें भी याद करके जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, और दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।